नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दिन भर की छोटी और बड़ी सभी खबरों को लेकर के आपके बीच एक बार हाजिर हो चले हैं, लेकिन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे उससे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डाल लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी हां आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर समर्थन पूरी तरीके से मिल रही, लेकिन बीजेपी के समर्थन न मिलने के कारण जातीय जनगणना को लेकर लगातार घमासान मची हुई है। इन तमाम खबरों के बारे में से 5 मिनट के अंदर बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अब जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव किया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्या सब कुछ आरजेडी में ठीक नहीं चल रहा, क्या आरजेडी में जगदानंद सिंह को मनाने की कवायद चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। बिहार के सभी गांवों को और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजनाओं का शुरुआत, अब गांव में लगेंगे स्ट्रीट लाइट। आपके गांव में नहीं लगे तो गांव का नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी हम दे सके। किसान सम्मान निधि योजना द्वारा मिलने वाले 2000 रुपए की राशि को अब सरकार ने सभी किसानों के खातों में तो डाल दिया है, लेकिन इसी के साथ बड़ी बात की शुरुआत यहां से होती है कि किसान आज भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पूरी खबर आपको विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज फिर से बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक मतदान केंद्रों पर अधिकतम कितनी वोटें होंगी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से कि क्या कुछ बड़ी अपडेट और जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों के अंदर बात करेंगे बिहार में बाढ़ का हालात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में लगातार बाढ़ की समस्या चरम पर है, और आए दिन बिहार की सभी नदियां उफान पर आ रही है, जिसको देखते हुए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ बिहार में अपराधियों का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार अपराध की अंजाम दिए जा रहे अपराधियों के द्वारा। इसी क्रम में आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में अपराध लगातार जारी है, किस तरीके से लूट और हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले तमाम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आपके लिए, जहां आपको बताने की फेसबुक और यूट्यूब समेत कई चीजों ने, कई सोशल साइट्स ने बड़ी जानकारी दिया है। देखिए क्या है बड़ी खबर विस्तार से। वहीं आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर बिहार समेत कई राज्यों में जहां राशन बांटने वाले दुकानों ने अगर इस तरीके का योजना बनाया कि अब कोरोना के वैक्सीन नहीं लगने वाले व्यक्तियों को क्या राशन नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। बिहार में बारिश आने की सबसे बड़ी खतरा और ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बारिश आने का लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट पर रखा है, एक बार फिर से भारी बारिश आने का संकेत जारी। 22 में बाईसाइकिल क्या फिक्स है, क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे हैं, या दावे कामयाब होंगे या फिर नहीं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो रेल यात्रा करने से पहले आपको इन बातों का रखना होगा ध्यान। रेल यात्रा करने के दौरान आपको इन बातों का जरूर रखना है ध्यान, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना अति आवश्यक। साथ ही साथ बात करेंगे जी आपको बता दें आज की बड़ी खबर की सोने और चांदी की कीमत में गिरावट और पेट्रोल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के साथ आम जनता को हो रही है भारी तकलीफ, पूरी खबर विस्तार से 5 मिनट के अंदर। सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री घिराव पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के सामने बड़ी जी हां संकट है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों की एकता तो मिल रही है, यानी माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी की और समेत जी हां आरजेडी की एकता तो मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर सहमति नहीं जता पा रही है, जिसके कारण जातीय जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है और बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है
मान्य मुख्यमंत्री जी से कि क्या मुख्यमंत्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे बीजेपी से। लेकिन यह तमाम बातें आने से पहले जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, क्या एनडीए में होगी टूट, क्या एनडीए की सरकार टूट जाएगी, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नहीं बचेगी, यह तमाम प्रकार की जो बातें चल रही है इन बातों में क्या है हकीकत, किस तरीके से किन किन चीजों के बदलाव है, इन तमाम बातों को आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप यह समझिए कि बिहार की जनता ने जातीय जनगणना की भी मांग की है, बिहार के गरीब दबते के लोग जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि वह जातीय जनगणना करे। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद महोदय भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से समय ना मिल पाने के कारण उन्होंने मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन जेडीयू लगातार अपने प्रयास इस बात को लेकर के कर रहा है कि जातीय जनगणना को बिहार में कराया जा सके। लेकिन इस पर बीजेपी के द्वारा लगातार अंकुश भी लगाई जा रही है, बीजेपी के द्वारा लगाए जाने वाले अंकुश के बाद में लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को लेकर चर्चा हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आरजेडी जातीय जनगणना को लेकर एकत्रित है और जातीय जनगणना को कराना चाहती है। आज तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। यहीं तक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया और इस बात की मांग की कि बिहार में आपके द्वारा जातीय जनगणना करानी जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे और इस बात का आश्वासन दिया जाएगा कि जातीय जनगणना बिहार में क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और इसका मोटिव क्या होने वाला है। इन तमाम बातों पर चर्चा लगातार हम आपको करके बता रहे हैं। लेकिन आमने सामने जेडीयू और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू एक तरफ है तो दूसरी पावदान पर बीजेपी है, दोनों आमने सामने हैं और देखने वाली आगे की बात यह होती है कि जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से नया स्टंट किया जाता है, किस तरीके से पार्टियां अलग अलग अपना बयानबाजी करती हैं। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करें आज जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तो आरजेडी के अंदर लगातार घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आए जाने के बाद में जगदानंद सिंह को दरअसल आज हम पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का ऑफर किया कि जगदानंद सिंह को अगर थोड़ी भी लाज बसी हो तो वह एनडीए में आ जाए, क्योंकि उन्हें बार बार जलील किया जाता है, बार बार उन्हें एक तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के गोद में आप कब तक बैठे रहेंगे, आप ठाकुर हैं, आप आइए हमारे साथ, और ये तमाम बातों को कहा गया। अब जगदानंद सिंह को इस बात का फैसला लेना है कि वो आने वाले दिनों में किसके साथ जाएंगे, क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे, क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे। जगदानंद सिंह पिछली बार भी जी नाराज हुए थे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। हालांकि जगदानंद सिंह कभी भी किसी भी मीडिया के कैमरे पर खुलकर उन्होंने नहीं कहा था कि वो आरजेडी से नाराज है। इसी बात से मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव से उस टाइम जो मुलाकात किए थे उस मुलाकात की ओरिजिनल कारण क्या थी, क्या यह कारण था कि लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या वो पार्टी छोड़ दे या नहीं। हालांकि जगदानंद सिंह को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया, तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा कि जगदा अंकल जब से आपको बता दें कि पार्टी में आए तब से दरवाजे बंद रहते पिताजी के जाने के बाद में, और मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता के लिए इन दरवाजों को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। इस बात की लगातार बातें सामने आ रही है। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। बात करें आज की बड़ी खबर की तो अशुद्दीन ओवैसी, जो कहा जाता है कि बीजेपी से मिली हुई पार्टी है, जी हां आपको बता दी एआईएमआईएम पार्टी जो है वो अशुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी है, वो तमाम छोटे पार्टियों का वोट काटने का काम करती है, यह बात
दरअसल इस वजह से उतरा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार चर्चाएं तेज हैं और इस बात की चर्चाएं की जा रही है कि जिस तरीके से जी हाँ कई बार आपको बता दें कि बातें सामने आई हैं कि अलायंस पार्टी है और यह बीजेपी से मिली हुई पार्टी है AIM। हालांकि इस पर AIM पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कई बार बयान भी दिया है, कई बार उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा बनाना चाहते हैं और आज भी बीजेपी के लोग जो है वो इस बात को लेकर AIM से कई फिर नाराज बताए जाते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में AIM को कितनी सीटें हाथ लगेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें किसको हाथ लगती है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी की समीकरण क्या रहती है और बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीत पाती है, कितनी विकास के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता को अपडेट कर पाती है। यह तमाम बातें, मात्र कुछ समय बचा हुआ है 2022 आने में और यह बातों का निर्धारण भी 2022 में हो जाएगा। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। बात करिए आज की बड़ी खबर की तो बिहार के अंदर पंचायत चुनाव की गहमा गहमी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन विभाग को इस बात का फैसला करना है कि बिहार में पंचायत चुनाव किस तरीके से कराया जाए। हालांकि बिहार में बाढ़ जैसे महाप्रलय के आने जाने के बाद में भी राज्य निर्वाचन विभाग कुछ दिन पहले इस बात की अपडेट भी किया था कि चुनाव में कुछ वक्त लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बाढ़ का महाप्रलय है इसमें चुनाव उचित बिल्कुल भी नहीं है। आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। 15 अगस्त 2021 के बाद में राज्य निर्वाचन विभाग इस बात का भी फैसला लेगा कि बिहार में पंचायत चुनाव कब और किस तरीके से कराया जाए। लेकिन इसकी तमाम बातों के करेंगे, उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार के पंचायत चुनाव के अंदर बाढ़ वाले क्षेत्रों में, जैसे कि बाढ़ का इलाका हो या फिर जी हाँ आपको बता दें कि टाल का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में दरअसल चुनाव जो है अंतिम चरण में कराए जाएंगे, सबसे लास्ट वाले चरण में कराए जाएंगे, जिससे बाढ़ का महाप्रलय का विकराल रूप थोड़ा खत्म हो सके, थोड़ा लोगों को शांति मिल सके, सुकून मिल सके, उसके बाद में वहां पर चुनाव कराई जाएगी। अन्यथा बिहार के तमाम जिलों के लिए अपडेट्स और जानकारी दी जा रही है। अपडेट्स और जानकारी उन तमाम जिलों की सूचनाबद्ध तरीकों से 15 अगस्त 2021 के बाद में सूचना दी जाएगी कि चुनाव कब और किस तरीके से क्या कुछ बड़े बदलाव रहेंगे। अहम और महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चुनाव को कराने की तैयारियां होगी। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, आप भी अब बात अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आम जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह सवाल पूछ रही है कि बिहार में कहां शराबबंदी है। संपूर्ण शराबबंदी कानून इसे कहते हैं कि बिहार की जनता को होम डिलीवरी शराब मिल जाए, या संपूर्ण शराबबंदी इसे कहते हैं जिसमें अवैध कारोबारियों का पैसा फले और फूले। क्या संपूर्ण शराबबंदी इसे कहते हैं जहां दो नंबर कालेबाजारी कर पैसों को भरमार कर दिया जाए, या हम नहीं बिहार की आम जनता पूछ रही है। आम जनता ने सरकार से सवाल पूछा है, सवाल यह तमाम बातों को लेकर सवाल पक्ष और विपक्ष से पूछा जा रहा है कि इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।